प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पंजाब में जाकर के कई योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास करना था और एक सभा करनी थी, मगर कांग्रेस के साजिशकर्ताओं ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो खालिस्तान समर्थित सरकार वहां बना के रखे हुए हैं, एक साजिश के तहत कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सभा स्थल तक पहुंचने से रोका गया। यहाँ तक कि संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, तो भारत के संवैधानिक पद होता है, लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का DGP, वहाँ का मुख्य सचिव प्रोटोकॉल में वो एयरपोर्ट से लेकर के कहीं वो दिखे नहीं। यहाँ तक कि साजिश के तहत उपद्रवियों को जो खालिस्तान समर्थित तकली किसान है जा करके वहाँ पर जा करके उनको घेरने का वो 20 मिनट की भयावह स्थिति बनी रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी उनके सुरक्षा कर्मियों को जो है कम से कम भारत को एक बहुत बड़े दंगे से बचा लिए। ये सरकार चाहती थी पंजाब की कि वो लोग जाएं वहाँ पर गोलियाँ चले ताकि देश में दंगा भड़के, लेकिन अपने बच्चे देते हुए वापस किस तरह निकल गए। मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी तय करके पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, वहाँ के गृहमंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को। जनता की आवाज जनता जनार्दन के साथ, जनता की आवाज जनता जनार्दन के साथ, जनता की खबरें जनता जनार्दन के बीच, पढ़ें और जुड़ें तेजी से आगे बढ़ती डिजिटल मीडिया टीवी जनता जनार्दन टीवी, समय के साथ सबसे आगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए जनता जनार्दन टीवी YouTube चैनल, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।